अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को चैलेंज करते हुए नॉर्थ कोरिया ने किए 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स के कामयाब टेस्ट। जापान ने हंगामी तौर पर बुलाया इजलास। इमरान खान हुकूमत को एक और झटका। अपोजिशन लीडर मरियम नवाज को लैंड स्कैंडल मामले में 12 अप्रैल तक गिरफ्तार करने पर अदालत ने लगाई रोक। 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर दी जमानत। दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग 6,20,00,000 में हुई नीलाम। ब्रिटिश पेंटर साशा जाफरी ने कहा, रकम बच्चों की मदद के लिए सरगर्म फलाही इदारों को डोनेट कर दी जाएगी। बीजेपी लीडरों की गंदी जहनियत फिर हुई उजागर। बंगाल बीजेपी सदर दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को दी बर्मोडा यानी हाफ पैंट पहनने की सलाह। ममता की हिमायत में पहुंचे हेमंत सोरेन ने कहा, हिंदू को हिंदू से और मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ाने वाली पार्टी है बीजेपी। हिंदुत्ववादी तंजीमों के अरकान की बढ़ती जा रही है गुंडागर्दी। अब दिल्ली में एक मुस्लिम नौजवान को बनाया निशाना। रस्सी से बांध कर पीटने वाले हिंदुत्ववादी मुलजिम अजय पंडित को किया गया गिरफ्तार। मोदी की जानिब से इमरान खान को लेटर लिखने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट सीरीज के जल्द होने का दिया इशारा।